विजयी बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, नहीं वह अपने कर्मों से बंधा होता है। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संघटक हैं। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा सफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा तृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हे प्रथा पुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता